अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, बहुत ही मज़े का आज का ब्लॉग होने वाला है। तो ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है बहुत हैपनिंग होने लगा है, आपको पता चल जाएगा आगे। तो जी माय हस्बैंड इज़ गोइंग आउटसाइड, तो वो उनकी फ्रेंड है, उनकी शादी है, तो उसकी बारात में ये लोग जाने लगे। ठीक है, तो उनकी जो है पैकिंग करनी है, वो बस सब थोड़ी देर में निकलेंगे। 8 बजे उनको निकलना है, तो इट्स 7 o'clock। और जो है इनकी पैकिंग मुझे करनी थी, तो मैंने बैग के अंदर सारी चीज़ें ज़रूर रख दी हैं। लाइक ट्राउज़र शर्ट भी होगा, इनका टॉवल और ये एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें लाइक यू नो, और ये जो है इनके परफ्यूम्स, और इसके अंदर भी जो है वो मैंने इनकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख दी हैं। और अभी जो है जो ये उनकी शादी में पहनेंगे बारात में, सो ये इनका ड्रेस है जो अभी टेलर के पास स्टिच होकर आया है, और मैंने अभी जो है इसको वॉश करके यहाँ सूखने के लिए डाला है, क्योंकि जो है वो जब भी टेलर के पास से कपड़े आते हैं तो ये ज़रा वॉश करके ही पहनते हैं कपड़े। तो ये वॉश किया है मैंने, अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी, इसके बाद मैं ख़ुद प्रेस करूँगी या फिर जो है प्रेस करने के लिए बाहर भेज दूँगी। 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं, ये ट्राउज़र और ये इनके एक्स्ट्रा सूट है जो कि मुझे रखना है इनके सूट केस के अंदर। इसके ऊपर भी हल्का सा जो है मैं प्रेस करके इसको भी हल्का सा, और ये भी सूटकेस के अंदर रख दूँगी, और ये सारी चीज़ें भी। अच्छा, शूज़ के ऑप्शन जो है वो यहाँ दोनों निकाल दिए मैंने, बॉक्स से बाहर निकाल दिए हैं शूज़। अब जो इनका दिल करेगा वो ये पहन लेंगे। शूज़ की थोड़ी सी हालत इसलिए ख़राब हुई हुई क्योंकि ये बॉक्स से बाहर थे, ये वाला शूज़ जो बॉक्स से बाहर था, इसलिए दूसरे बॉक्स ने इसको दबा दिया, बुरे तरीके से इसका एक्सीडेंट कर दिया है। तो ये 2 शूज़ के पैर निकाल दिए। अब जो इनको बेटर लगेगा इस वाइट शूट के साथ पहनने के लिए, तो वो ये शूज़ लेकर पहन लेंगे, और एक्स्ट्रा जो लेके जाना होगा वो लेकर चले जाएंगे। और इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम साहब ने बहुत तबाही मचाई हुई थी। वो खेल रहे थे और टॉयज़ देखे सारे बास्केट के अंदर इन्होंने ऐसे फेंक दिए। वैसे यूजुअली मैं जो है इनके टॉयज़ जो है वो यहाँ पर रखती हूँ, ये इब्राहिम का एरिया है, कॉर्नर, ये जहाँ पर इनके सारे वो टॉयज़ रखे होते हैं जिनसे वो डेली खेलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो ऊपर अपने पप्पो के रूम में गए हुए थे, तो इसलिए सारे टॉयज़ जो है वो समेट के मैंने इस बास्केट में डाल दिए, और ये बास्केट में ऊपर ले गए थे। अभी वापस आ गए, और कुछ उनके रूम के जो टॉयज़ होते हैं जो वो इब्राहिम के लिए रखती हैं, वो भी इसके अंदर रख दिए उन लोगों ने। तो अब इसको मैं समेटूँगी, इसके अंदर जो है वो फटाफट जो है प्रेस करके रखूँगी। अच्छा, ये भी कुछ ऑप्शन जो है वो मैंने निकाल के रख दिए ट्राउज़र्स के। अब उनको इनमें से कोई चूज़ करना होगा वो रख लेंगे, या फिर अदरवाइज़ ये रहने देंगे। अब हस्बैंड्स कहीं भी बाहर जाएँ तो उनकी जो है वो सारी जो तैयारी करनी होती है, कपड़े रखना, पैकिंग करना, वो सारी जो है वाइफ को देखनी पड़ती हैं। ये जो है बड़ा ही जो है ना एक हेक्टिक काम लगता है कि हम कहीं जाएँ तो हम अपनी पैकिंग खुद करें, आप लोग कहीं जाएँ तो आप लोग की पैकिंग भी हम करें, नॉट फेयर। तो बस ये काम करूँगी गाइस। तो अभी बज रहे हैं रात के 11, और एज़ आई सेड के 12 बजे के बाद इब्राहिम की फर्स्ट बर्थडे, तो मैंने इब्राहिम को सुला दिया था करीबन 9 बजे, ताकि इनकी थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए, और उसके बाद हम लोग इनको 12 बजे उठा के सेलिब्रेट कर दें। अच्छा, अब सीन ये है कि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें लेनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था, तो ऑब्वियसली उसमें मैं लगी हुई थी। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, और मुझे एनी हॉल में जाके कुछ बलून्स, पार्टी पॉप और कुछ चीज़ें मुझे लेनी है। तो अभी जो है मैंने अपने कज़न को बुलाया, उसके साथ मैं जाऊँगी, वो भी बाइक पर, और जाकर किसी भी करीब से जो भी शॉप होगी मुझे बलून्स की और जो है वो डेकोरेशन की, वहाँ जाकर मुझे जो है एनी हाउ कुछ चीज़ें लेकर आनी है। केक कर दिया ऑर्डर, केक बस आता होगा, और वो लाकर, क्योंकि फिर थोड़ी सी डेकोरेशन भी करनी है। बस अब जो है मैं आपको बरसात लेकर चलती हूँ, फटाफट हम डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बेकरी, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया फॉइल बलून 1 लीटर का। ठीक है, बिकॉज़ हिज फर्स्ट बर्थडे, तो इसलिए मैंने 1 लीटर ले लिया। और उसके बाद मैंने कैप ली है, और एक कैप ली बहुत प्यारी से, आपको दिखाती हूँ मैं आगे, ब्लू कलर की। और मैंने लिए कुछ बलून्स, बिकॉज़ ये आपको बता दूँ मैं कि हम लोग घर पर भी छोटे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ग्रैंड पार्टी इब्राहिम की जो हम करेंगे बर्थडे पार्टी, वो होगी 1 डेट को। उसके लिए वेन्यू वगैरह हमने जो है वो बुक करवाया, काफ़ी ग्रैंड पार्टी हम लोगों ने अरेंज की है, वो होगी 1 डेट को, बिकॉज़ जो हमारे आने थे गेस्ट वगैरह, उनके एग्ज़ाम्स के और इस चीज़ के इशू हो रहे थे, इसलिए हमने आगे रखी है। और ये कैंडल ले ली थी मैंने 1 की। और जी आप जो है 2 केक लिए थे, एक पाइनएप्पल केक और एक चॉकलेट केक, फुल डबल चॉकलेट केक लिया था, जो कि बहुत मज़े का होता है। और बलून्स जो है मैंने ब्लू कलर में ले लिए, और कुछ मल्टी कलर्स में ले लिया था। अब मिक्स एंड मैच करके बस थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। और ये जो इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल केक के ऊपर क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, सिंपल सा। इस केक के ऊपर हम लोग इब्राहिम कस्टमाइज़ मैं फुलाऊंगा। नहीं कौन सा? हाँ ये वाले ये वाले ये वाले ये लो ये वाले आप फुलाओ। अच्छा ये लो ये आप। यहाँ पर जी देखें सब लोग फुला रहे हैं बलून, और कुछ बलून तो ऐसे थे जो हमने फुलाने के ड्यूरिंग जो है वो फोड़ दिए हैं, और कुछ बलून जो है वो बच गए वो हमने डाल दिए हैं। फ़िलहाल ये आप देखें यहाँ हमने डाल दिए फ़िलहाल बेड के ऊपर, जो हमने बलून फुला लिए वो यहाँ रख दिए। और इब्राहिम जो है वो थोड़ा सा खेल रहे हैं इनके साथ। अब जैसे ही 12 बजेंगे हम धमाकेदार विश करेंगे सब इब्राहिम को, आप देखते रहिएगा। तो जी हमने धमाकेदार जो है विश कर दिया इब्राहिम को, और इब्राहिम बस वो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है कि सब मुझे क्यों एट द सेम टाइम विश कर रहे हैं। तो अब हम चेंज करवाते हैं। पहले मेरा प्लान था कि इब्राहिम को नाइट सूट में जो है हम लोग तैयार करेंगे और उनकी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, बट उसके बाद थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज हुआ। हमने कहा नहीं सब लोग आए हुए हैं, इब्राहिम के दादू वगैरह भी हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड के चाचू वगैरह भी सब थे। तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ी सी इनको अच्छी ड्रेसिंग करवा देते हैं। तो ये सारे जो है कपड़े इब्राहिम के ब्रांड न्यू हैं जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ। इब्राहिम के सारे मैंने हैंग कर दिए। एट द सेम टाइम क्या होता है कि जब भी कहीं जाना हो तो हम क्विकली न्यू कपड़े जो है वो निकाल कर इनको पहना देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इब्राहिम को हम लोगों ने कौन से कपड़े पहनाए, और जो है वो थोड़ी सी मैं आपको दिखाती रहूँगी हर चीज़। शूज़ दे रही हूँ मैं, एक सेकेंड। और यहाँ पर जी मैं सेट करने लगी हूँ रिंग लाइट्स, क्योंकि हम लोग पिक्चर्स भी लेंगे, और थोड़ी सी लाइटिंग जो है वो रूम की मुझे कम लग रही थी पिक्चर्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर रिंग लाइट लेकर आई हूँ और इसको अब मैं सेट करूँगी रिंग लाइट को। ये कैंडल इधर के जाए भाभी, पापा इनको वीडियो कॉल कर लेंगे पापा को। It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. तो जी केक कटिंग सेरेमनी हो गई है, और माशाल्लाह से इब्राहिम 1 ईयर के हो गए, और पता ही नहीं चला कैसे ये 1 साल गुजर गया। और केक कटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इब्राहिम कितना खुश हो रहे थे और डांस कर रहे थे। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था तो डांस कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो बड़ी आराम से नीचे बैठ गए। ये देखें आप नीचे बैठ गए, और जो पार्टी पॉप के स्पार्कल्स थे ना वो इतना खुश हो रहे थे उनको देख के, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्डन गोल्डन स्पार्क हो रहा था फ्लोर पे। तो बैठ के अपने हाथ से उठा रहे थे, और सभी कह रहे थे कि वो बच्चा है जो गंदगी के बाद सफाई खुद करेगा। बेबी बेबी कम हियर, इब्राहिम Ibrahim come here, Ibrahim। Guys spot the birthday boy। वो देखे हैंगर लेके और वो घूम रहे हैं अब। और क्योंकि हमने इब्राहिम का थोड़ा सा फोटो शूट किया है इसलिए सारे रूम में कचरा हो रहा है। तो ये था आज का इब्राहिम का आउटफिट जो कि उन्होंने पहना हुआ था। और सेलिब्रेशन के बाद आफ्टर केक कटिंग हमने जो है वो केक का चेंज करवा दिया और वो आप नाइट शूट में बैठे हैं, जिसे आपने प्रीवियस क्लिप में देखा। अब मैं इसको जो हैंग करके कबर्ड में जो है वो फिर से हैंग कर देती हूँ इनकी। और पूरा रूम जो है बहुत ब्लास्ट हो गया रूम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पिक्चर्स लिए हैं, इब्राहिम की छोटा सा फोटो शूट किया है, इसलिए पूरे रूम में ब्लास्ट हो गया है। अब जो है वो मैं समेटूँगी, उसके बाद ऑब्वियसली सब लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग थोड़ी सी गैदरिंग करेंगे सब लोग। तो जी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अपने लिए केक खाने के लिए, और चॉकलेट केक है ये, और इतना यम्मी है कि बहुत अच्छा। बट ये कि आई डोंट लाइक स्वीट एज मच, मतलब आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, तो थोड़ा सा खाके मेरा दिल भर जाता है। और ये छोटा सा पीस लेके आई थी, इससे भी जो है ये बच गया है। और आपको मैं बताऊँ टाइम क्या हो रहा है, जस्ट वन सेकेंड, रात के 3 बज रहे हैं। और इब्राहिम साहब जो है ये मेरे बराबर में जो है अब उठने लगे हैं, इससे पहले उठ कर बैठ जाएँ। इससे पहले मैं वीडियो को बंद करती हूँ।